भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ गाइस, आप कुछ इस तरीके का ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हो। तो गाइस, इस वीडियो को बनाने से पहले करने क्या है, आपको इस वीडियो कर देना है एक लाइक, और आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मेरे द्वारा डाले गए इसी तरीके का नया नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो सबसे पहले गाइस, आपको अपना कैन मास्टर ओपन कर लेना है। कैन मास्टर ओपन करने के बाद गाइस, आपको करने क्या है, सिंपली यहाँ पे आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद गाइस, आपको यहाँ पे 9x16 का साइज सिलेक्ट कर लेना है। 9x16 का साइज सिलेक्ट करने के बाद गाइस, आपको यहाँ पे मीडिया पे क्लिक कर देना है, और मीडिया पे क्लिक करने के बाद गाइस, आपको यहाँ पे अपना बैकग्राउंड पिक सिलेक्ट कर लेना है। तो इस बैकग्राउंड पिक का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से आगे इसको डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करने के बाद सबको इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद गाइस, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, और इसको इस तरीके से आपको यहाँ पे जूम करके ऐड कर लेना है। तो जूम करके ऐड करने के बाद ही सबको करने के सिंपली यहाँ पे इस इक्वल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, और सिंपली यहाँ पे टिक कर लेना है। टिक करने के बाद ही सबको इस बैकग्राउंड का साइज कुछ इस तरीके से बढ़ा लेना है, आपको जितना बड़ा वीडियो बनाना होगा गाइस उतना बड़ा आपको यहाँ पे अपने बैकग्राउंड का साइज कर लेना है। इस तरीके से करने के बाद ही सबको करने के सिंपली यहाँ पे स्टार्टिंग पे आ जाना, और स्टार्टिंग पे आने के बाद गाइस, आपको लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया पे जाना, और मीडिया पे जाने के बाद गाइस, आपको यहाँ पे अपनी एक फोटो पीएनजी सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे गाइस अपनी फोटो का पीएनजी बना लेना, बनाने के बाद गाइस आपको इस तरीके से यहाँ पे अपनी फोटो का पीएनजी ऐड कर लेना है। तो इस तरीके से ऐड करने के बाद गाइस, आपको करने के अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद गाइस, आपको करने के सिंपली यहाँ पे टिक कर लेना। टिक करने के बाद गाइस, आपको इस फोटो का साइज भी आपको लास्ट तक ले जाना है। लास्ट तक ले जाने के बाद गाइस, आपको करने के सिंपली स्टार्टिंग पे आ जाना है। स्टार्टिंग पे आने के बाद गाइस, आपको इस लेयर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। लेयर के ऑप्शन भी क्लिक करने के बाद गाइस, आपको मीडिया पे क्लिक कर देना, और मीडिया पे क्लिक करने के बाद गाइस, आपको यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट पीएनजी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके इस विंटर वाले टेक्स्ट पीएनजी को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद गाइस, आपको इस तरीके से यहाँ पे इसको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद गाइस, आपको इस थ्रेड पे क्लिक करना और इसको सेंड बैक कर देना है। सेंड बैक करने के बाद गाइस, आपको इस टेक्स्ट पीएनजी का साइज लास्ट तक ले जाना, और लास्ट तक ले जाने के बाद गाइस, आपको करने के इसको हल्का सा और ऊपर की ओर ऐड कर देना। ऊपर की ओर ऐड करने के बाद सबको इसके एनिमेशन में जाना, और इसके नीचे आपको यहाँ पे स्लाइड अप या स्लाइड डाउन के ऊपर क्लिक कर देना। तो यहाँ पे आपको स्लाइड डाउन के ऊपर क्लिक कर देना, और स्लाइड डाउन के ऊपर क्लिक करने के बाद ही सबको सिंपली स्टार्टिंग पे आ जाना है। स्टार्टिंग पे आने के बाद ही सबको करने के सिंपली लेयर पे क्लिक कर देना, और लेयर पे क्लिक करने के बाद ही सबको मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद ही सबको यहाँ पे ये वाला लाइटिंग इफेक्ट टेम्पलेट वीडियो सिलेक्ट कर लेना है। इस टेम्पलेट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से आकर इसको भी डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद ही सबको इस थ्रेड पे क्लिक कर देना है। आपको थ्रेड पे क्लिक करने के बाद ही सबको इसको फुल स्क्रीन पे ऐड कर देना है। फुल स्क्रीन पे ऐड करने के बाद ही सबको करने के है सिंपली यहाँ से आपको बैक हो जाना। बैक होने के बाद ही सबको इसके ऑडियो ऑप्शन पे जाना, और इसके ऑडियो का आपको यहाँ पे म्यूट कर देना है। ऑडियो म्यूट करने के बाद ही सबको नीचे ब्लेंडिंग का ऑप्शन पे चले जाना है। ब्लेंडिंग का ऑप्शन पे जाने के बाद ही सबको इसको स्क्रीन कर देना। स्क्रीन करने के बाद ही सबको इसके लास्ट के ऑप्शन पे जाना है। लास्ट के ऑप्शन पे आने के बाद ही सबको करने के है सिंपली स्क्रैची का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है आपको, और इसको ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट करके इसका एक्स्ट्रा का भाग कट कर देना। एक्स्ट्रा का भाग कट करने के बाद ही सबको फिर से स्टार्टिंग पे आ जाना है, और यहाँ पे आपको लेयर पे क्लिक कर देना। लेयर पे क्लिक करने के बाद ही सबको मीडिया पे क्लिक कर देना है, और मीडिया पे क्लिक करने के बाद ही सबको करने के है सिंपली यहाँ पे आपको एक ये वाला टेम्पलेट वीडियो सिलेक्ट कर लेना। इस टेम्पलेट वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से आप इसको भी डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करने के बाद सबको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना, और इस थ्रेड पे क्लिक कर देना है आपको, और यहाँ पे आपको इस तरीके से आपको फुल स्क्रीन पे ऐड कर देना। फुल स्क्रीन पे ऐड करने के बाद सबको यहाँ से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद सबको इसके ऑडियो का ऑप्शन पे जाना, और इसका ऑडियो आपको यहाँ पे म्यूट कर देना है। ऑडियो म्यूट करने के बाद सबको नीचे ब्लेंडिंग का ऑप्शन पे जाना, और ब्लेंडिंग का ऑप्शन पे जाने के बाद सबको इसको भी स्क्रीन कर देना। स्क्रीन करने के बाद सबको करने के सिंपली इसके लास्ट के ऑप्शन पे जाना, और इसके कैंची का ऑप्शन भी क्लिक करके आपको ट्रिम टू ऐड ऑफ प्लेट करके इसका एक्स्ट्रा का भाग कट कर देना। एक्स्ट्रा का भाग कट करने के बाद सबको करने के है सिंपली स्टार्टिंग पे आ जाना, और स्टार्टिंग पे आने के बाद सबको करने के है सिंपली इस पे एक फुल स्क्रीन बॉर्डर पीएनजी ऐड कर लेना है। फुल स्क्रीन बॉर्डर पीएनजी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से आगे इसको डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करने के बाद सबको यहाँ पे लेयर भी क्लिक कर देना है,
और आपको मीडिया पे क्लिक कर देना। मीडिया पे क्लिक करने के बाद ही सबको यहाँ पे ये वाली फुल स्क्रीन बॉर्डर PNG सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद ही सबको इस थ्री डॉट पे क्लिक कर देना और इसको फुल स्क्रीन पे ऐड कर देना। फुल स्क्रीन पे ऐड करने के बाद ही सबको इसका साइज लास्ट तक ले जाना है और लास्ट तक ले जाने के बाद ही सबको करने के सिंपली इस पे आईडी ऐड कर लेना है। आईडी ऐड करने के लिए सबको अपने आईडी का ऑप्शन भी क्लिक कर देना है और अपने फोल्डर पे जाना है जहाँ भी आपने अपने आईडी डाउनलोड करके रखा हो और अपने आईडी को यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे कैसे एक आईडी सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ही सब इसके आईडी को लास्ट का ऑप्शन ले जाना और इस कैंची का ऑप्शन भी क्लिक कर देना। ट्रिम टैड ऑफ प्लेट करके इसका एक्स्ट्रा का भाग कट कर देना। एक्स्ट्रा का भाग कट करने के बाद इस देख सकते हैं वीडियो बन के कम्प्लीटली तैयार हो गया है। तो इसको सेव करने के लिए सबको करने के सिंपली शेयर वाले ऑप्शन भी क्लिक कर देना। यहाँ पे 1080 सिलेक्ट करके ब्राइटनेस हाई करके इसको एक्सपोर्ट भी क्लिक कर देना है।